से ये तय कर लो कि जो महिला को सशक्त करने का काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। पिंकिया की ये बात मानते हैं, मानना पड़ेगा, जो महिला को सशक्त नहीं बनाएगा उसको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसके अनुसार तो पहले बबुआ को भगा दो, या फिर बबुआ को बोल दो भैया इस रेस से तू अपने आप बाहर हो जा, क्योंकि तू अपने बीवी को नहीं सुरक्षित रख सकता। जरा ये वीडियो देखो। अखिलेश भैया आ रहे हैं, बस तुम्हारा ही नाम बता देवाली हूं। आप लोगों ने एक लाइन और बोली इधर से तो मैं चली जाऊंगी। भौजी, डिंपल भौजी बोल रही हैं कि देखो ज्यादा परेशान करोगे तो मैं भैया को बुला दूंगी। अब भैया आएंगे भी तो क्या करेंगे, भैया के पीछे आजम खनवा खड़ा है, वो कलर बताने लगेगा चड्ढी वड्ढी का, तो आप रहन दो, आपसे ना हो पाएगा। पहले आप घर के महिलाओं को सुरक्षित करो, उसके बाद चुनाव में आओ। क्योंकि इसी असुरक्षा के डर से अखिलेश बबुआ तुम्हारी भौजी अभी बीजेपी में चली गई। कांग्रेस की तरफ से तो प्रियंका जी एक औरत हैं, वो औरत सुरक्षा की बात करती हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन वो सब उत्तर प्रदेश के लिए है, ये जनता जानती है, और ये एक दो महीने के लिए है, सिर्फ चुनाव के लिए है। पंजाब में उनके पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता लोग, उनके नेता लोग महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव करते हैं मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ। उनके खदेड़ के मारा जाता है, उनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर के भगाया जाता है, वहाँ से जेल में ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को ना रख सके सरकार के सामने। पिंकिया एक हिसाब से तो अगर देखा जाए पप्पू से बेटर ही पड़ेगी। ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अरे बेटर राजनीति में नहीं रे बाबू, राजनीति में बेटर नहीं, कॉमेडी करने में। कॉमेडी उससे अच्छा कर लेती है, दिक्कत ये है कि वो ससुरा चुनाव के समय में भी भाग जाता है बैंकॉक। अजीब है, वो चुनाव के समय में भी बैंकॉक निकल जाता है। अब बैंकॉक क्या करने जाता है बताने की जरूरत नहीं है, 52 साल का हो गया है, समझ सकते हो ना। इसका मतलब ये नहीं है कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, नहीं, ये वोट लेने का माध्यम है। हाँ, ये भी बात पिंकिया सही कह रही है कि भाई राशन दे देना या सिलेंडर दे देना, उससे वोट ऐठा जाए तो भाई ये गलत है, मतलब ये खरीद फरोख्त हो जाएगा। लेकिन पिंकिया थोड़ा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी जाकर देख, जहाँ से तुम्हारे आका लोग ऑपरेट करते हैं, वो 3-3 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। और पिंकी जी, मैं आपको बताते चलूँ कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसे सशक्त हुई हैं, उसका एक छोटा सा ट्रेलर देखो दबंग लेडी के स्टाइल में, ये देखो। कौन भोसड़ी वाला दिया था थे? कौन भोसड़ी वाला नमक दिया था? कौन भोसड़ी वाला राशन दिया था? जो राशन खरीद कर खा रहे थे, भीख मांग कर खाते हैं आप, वो बेच रहे हैं। समझी पिंकिया, वो राशन आज बेच रहे हैं, जो राशन वो खरीद कर खाते थे, नहीं खा पाते थे, भीख मांग कर खाते थे, आज सरकार की मदद से वो राशन बेच रहे हैं। अभी देखो दोस्तों, इसमें हम पूरी तरीके से सरकार को समर्थन नहीं करते कि भाई फ्री वाला चीज, फ्री वाला मत दो, रोजगार दे दो। लेकिन इनमें और कांग्रेस में अगर देखा जाए कि भाई फ्री वाला तो ये नहीं दे सके, ये फ्री वाला भी नहीं दे सके, रोजगार की तो बात ही छोड़ो, कांग्रेस वाले ने फ्री भी नहीं दे सके, और बीजेपी अगर फ्री दे रही है तो भी ये सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारे यहाँ जहाँ सरकार है, जिस प्रदेश में सरकार है, तुम वहाँ सब कुछ फ्री बंद कर कर रोजगार दे दो, उसके बाद बीजेपी के ऊपर सवाल उठाओ, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम साइकिल रैली निकालोगी, लैपटॉप बांटेगा कोई, कोई साइकिल फ्री देगा, कोई कुछ फ्री देगा, क्या चूतिया फा है ये सब। मतलब उन बच्चों के लिए जो स्कूल से निकल रहे, कॉलेज से निकल रहे हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था, उनके नौकरी की व्यवस्था कोई नहीं करेगा, कोई लैपटॉप बांट देगा, कोई मोबाइल बांट देगा, कोई साइकिल बांट देगा, हो गया काम, 5 साल खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। तो आजकल तो पिंकिया स्कूटी बांट रही हैं। अरे स्कूटी बांटो ना बांटो, गाड़ी कहा जाता ना कि गाड़ी खरीदना बड़ा बात नहीं है, खरीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए जो पेट्रोल आता है उसका जुगाड़ करना वो बड़ी बात है, उसका व्यवस्था करो पहले। गाड़ी तो सब खरीद लेंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेंगे, अगर रोजगार होगा उनके पास। फिलहाल हम भी वीडियो को ख़त्म करते हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं है, बहुत कम करते हैं, वैसे भी YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, तो कम से कम सब्सक्राइब करके खोजबीन करके वीडियो देख लिया करो। ऐसे तो आपको इतनी आसानी से मुन्ना भाई की वीडियो YouTube नहीं आपको दिखाने वाला, तो आप लोग शेयर वेयर करके इधर उधर से देख लिया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।